Yes, good evening to everyone. As we all know that today we have a specific session, and in this we are going to interact with Meghsa, who has secured All India rank 5 in recent exam of CMA final. So let me introduce him. Hello, Meg. Hello, sir. How are you? I'm fine, sir. मतलब वैसे कह सकते हैं कि पिछले चार पांच दिन से थोड़ा बिजी रहा होगा शेड्यूल. बहुत बिजी मतलब होता है ना, रैंक होल्डर है, बहुत सारा मीडिया कवरेज, न्यूज़पेपर वाले, वो न्यूज चैनल वाले सब लोग मिलने आए होंगे. बट स्टिल ये जो सेशन है, इसका जो इंटेंशन है, दैट इज एज वी आर कनेक्टिंग विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट पैरेलली, तो उनको एक ब्रीफ आइडिया देना है कि हम लोग इन फ्यूचर जो आपका जर्नी होता है, सीएमए इंटर वाले भी होंगे और फाइनल वाले भी बच्चे हैं, तो उनको एक आइडिया देना है कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया रैंक. वी कैन से दैट यू कैन नॉट प्लान एआईआर, बट एटलीस्ट एक बार ब्रीफ आइडिया होगा तो आप कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाओगे. सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं. कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, देन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ओपन दैट फॉरम टू ऑल ऑफ यू. मतलब जो भी स्टूडेंट है, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन अ चैट बॉक्स. पहले मेरे हैं, मैं पूछ लूँ, फिर आप अपने स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो पहला तो वही क्वेश्चन है, अभी कैसा लग रहा है? मीन्स तीन चार दिनों तक का जो एक्सपीरियंस रहा आफ्टर गेटिंग एआईआर, वो अगर शेयर कर पाओ तो दैट इज सुपर्ब. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर. आई डिडंट नो आई गॉट एआईआर अंटिल यू इन्फॉर्म मी, एंड इट वाज जस्ट विद इन 4 आवर्स आई गॉट रिजल्ट्स, आई गॉट पास, एंड आई वाज सुपर हैप्पी. माय फैमिली वाज हैप्पी, एंड आई गेट टू नो आई गॉट एआईआर, गेट टू एआईआर 5. यस यस, एब्सोल्युटली. एज सच एआईआर इन अ सिंगल डिजिट एकदम ही, मतलब वो वी कैन से दैट कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है अगर सिंगल डिजिट एआईआर आपने क्लेम कर दिया है तो. सो बस वही है कि आपका जो फीलिंग था तीन चार दिनों का, अगर एग्जैक्टली थोड़ा डिस्क्राइब कर पाए कि आपको रिजल्ट का क्या एक्सपेक्टेशन था रिलेटेड टू रिजल्ट. मीन्स एग्जाम देने के बाद वी हैव टू वेट फॉर, मतलब इस बार तो क्या हुआ कि दे हैव सेड दैट कि भाई हम लोग है ना एंड में, जनवरी एंड में हम पब्लिश कर देंगे, फिर बोले फर्स्ट वीक ऑफ फेब में पब्लिक करेंगे. मतलब मैं आपको वो पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो आपका रिजल्ट का क्या एक्सपेक्टेशन था, कि भाई रैंक आएगा ऐसा सोचा था, या उसके बाद जब आया रिजल्ट और वहां से लेके आज तक क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, अगर थोड़ा डिटेल में बता पाओ आप तो. यस आई हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस यस यस. एज आई वाज नॉट श्योर अबाउट रिजल्ट्स, एज माय पेपर नंबर 17 सीएफआर पेपर वाज नॉट दैट मच गुड. Yes, I attended the whole paper, but I was not sure about that one paper. Otherwise, I knew my result. And I was expecting if I get pass and get paper, I will get AIR, not AIR 5. Lekin AIR 15 तक कुछ भी आ सकता है. Great. मैं इंटर में 3 मार्क्स से रह गया था AIR. उस वक्त भी उतनी ही प्रिपरेशन थी, इस बार थोड़ी ज्यादा की थी क्योंकि एक बार रह गया था मैं AIR में. और इस बार मेरी पहले से एक बार तो इच्छा थी कि एक बार AIR लाना है मुझे, और वो पूरी हो गई. एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सी ऐसा जी है ना, बहुत पहले एग्जाम के लिए एलिजिबल था, आई गेस फ्रॉम दिसंबर 2020, राइट? दिसंबर 2020 में एलिजिबल थे ना अपने. बट सिंस ही वाज टारगेटिंग फॉर AIR, तो उसको ऐसा था कि सर आराम से दूंगा मैं, बट मेरे को AIR चाहिए. क्लियर है? जनरल है ना, मैं ऐसे किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ. ये इसका स्टोरी अलग है. ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई हम ला ही देंगे AIR. बट आप AIR के लिए जनरली आपको अटेम्प्ट डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपका जब भी अटेम्प्ट हो तब आपको दे देना चाहिए एग्जाम, ठीक है? बट इसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है. सो दैट वो एक अटेम्प्ट 6 महीने स्कीप करने के बाद भी उसका जो टारगेट था वो अचीव हो गया उसके साइड से. क्लियर है? सो बस फर्स्ट इज दैट कि एक्सपेक्टेशन क्या था जो आपने शेयर किया. मीन्स था एक्सपेक्टेड कि आ जाएगा रैंक. फिर मेरा ये है कि भाई आपका एग्जैक्ट क्या रिएक्शन था जब आपने जो AIR का न्यूज सुना. आई थिंक मैंने ही मैसेज किया था आपको. Yes, sir. क्योंकि मेरे पास उन्होंने, मतलब एक स्टूडेंट है अपना जो सारे अपडेट देता है मेरे को, तो आई जस्ट फॉरवर्ड दैट इन्फॉर्मेशन. मतलब उसने स्प्लिट सेकंड में, जैसे इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे अपलोड किया था, उसने मेरे को फॉरवर्ड किया एंड मैंने आपको फॉरवर्ड किया. सो पहला रिएक्शन आपका एंड पैरेलली आपकी फैमिली का कि भाई AIR आ गया है जो सोचा था, दैट इज अचीव्ड, तो आपका वो रिएक्शन अगर शेयर कर पाओ आप. सर आई वाजंट एट द होम, आई वाज आउट विद माय ग्रैंडफादर. ओके.
एक फंक्शन में मैं था और तब आपका मैसेज आया, मैंने यकीन नहीं किया था, मैंने फिर से वेबसाइट पे जाके चेक किया सच में आ गया है या नहीं। फिर मैंने मेरी फैमिली, मेरे फादर उस टाइम गांव में थे, उनको कॉल लगाया और फिर उनको बताया, वो वहां पे भी रो पड़े। एक्चुअली मेरे को भी आपके फादर का फोन आया था कि भाई सर ये जर्नी में आपका भी वो हेल्प रहा है एंड ऑल दैट, बिकॉज हम लोग मतलब ये क्या हुआ कोविड की वजह से थोड़ा ड्यूरेशन भी आपका एक्सटेंड हो गया था ओवरऑल, अदरवाइज आई थिंक एक साल पहले ही खत्म हो जाता सब कुछ। यस, बट फिर भी अगेन वी ऑलवेज टेल स्टूडेंट की रैंक लाना या एग्जाम क्रैक करना उसमें 90-95% रोल स्टूडेंट का ही रहता है, ठीक है। 5% यू कैन गिव क्रेडिट टू योर पेरेंट्स, फिर टीचर्स का नंबर आता है, बाकी मेजोरिटी में मैं तो ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि ना। नहीं सर, वो बात आपने कही वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर क्लासेस और उसमें हमें 100% नहीं मिलता है, आपको तो फीस आ जाएगी, लेकिन आपका जो 100% डेडिकेशन है हमारे टूवर्ड्स, वो मेरी मेरे क्लासेस आई थिंक 1 ईयर पहले खत्म हो चुके थे, और उसके बाद भी लास्ट 1 ईयर सभी फैकल्टीज ने मेरी हेल्प की है। जब भी मैंने मैसेज किया विद इन 1 आवर्स मुझे रिप्लाई आ जाता था, मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। I was studying at library, और वहां पे अगर डाउट क्लियर नहीं हो तो मैं वहां पे भी अटका रहता था, कोई नहीं था डाउट क्लियर करने के लिए, लेकिन आप लोग हमेशा वहां थे मेरे लिए, इसलिए आप नहीं ऐसा कह सकते सिर्फ 5% है आपका रोल, बहुत बड़ा रोल है सर। नहीं सब मेरा जनरल ऐसा परसेप्शन है कि फैकल्टी कैन ओनली कंट्रीब्यूट 5%, बाकी मैं तो ऐसा कहूंगा ना हमने तो बहुत लोगों को पढ़ाया साथ में, ठीक है, बहुत सारों का रैंक मतलब दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट हम लोग बहुत सारे रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे एज यू नो दैट कि अपने क्लास में, जो जनरली ट्रेंड नहीं है दोनों ग्रुप साथ में देने का, बट इस बार कोइंसिडेंटली क्योंकि वो अटेम्प्ट नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग दोनों ग्रुप साथ में दे रहे थे, तो बहुत सारे रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार, और मतलब समाउ वो फाइनल में बहुत ज्यादा 3-4 लोगों का एटलीस्ट एक्सपेक्टेड था, सब लोग पास हो गए, ठीक है, एक आध स्टूडेंट का एक ग्रुप में हुआ, बाकी जिन जिनके रैंक एक्सपेक्टेड थे वो सब पास हो गए, बट समाउ कुछ कुछ मार्क्स से रह गए, बट वो सब आपने कंपनसेट कर दिया बाय क्लेमिंग सिंगल डिजिट रैंक। सिंगल डिजिट रैंक मीन्स दैट इज सुपर। खैर कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस सेशन, एक एक चीज मैं अपने साइड से ऐड करता हूँ। देखो लास्ट जो अटेम्प्ट था ना दैट वाज द यूनिक अटेम्प्ट इन सीएमए एग्जाम, हम सबको पता है 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है और उसके बाद एग्जाम होगा नहीं होगा, पैनिक सिचुएशन सब जगह थी, पैटर्न चेंज हो गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कन्वेंशनल पैटर्न से हमने पढ़ाया था वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ एमसीक्यू मोड में, सेक्शन बी वॉज टफ, ठीक है, वो एकदम टफ था। तो ना ये मेक का एक थोड़ा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा, हम लोग एक दिन बिफोर एग्जाम ये बुक लेके आया था, मेरे को अभी भी याद है, अब मैं कैबिन में बैठा था और उससे ना बुक में से SFM मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका बात कर रहा हूँ मैं, उसने बुक में से सब निकाल लिया था, ठीक है, मतलब मैंने जब मैं पढ़ाता हूँ तो इट इज ऑब्वियस दैट कि मैंने एक बार बुक पढ़ी होगी पूरी, बट आई डोंट थिंक कि कोई और स्टूडेंट पूरी मॉड्यूल पढ़ता होगा लाइन टू लाइन, एंड ही वॉज स्टडिंग ओनली फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है कि क्या पूछेंगे पता ही नहीं है ना, सेक्शन बी इज अ 1 मार्कर जो MCQ नहीं है, तो उसके लिए क्या पढ़ना वो कोई गाइड ही नहीं कर पा रहा था, तो हमने सबको ये बोला था कि आप मॉड्यूल पढ़ लो सारी, बट उसमें से बहुत सारे कम लोग होंगे जिन्होंने मॉड्यूल पढ़ी थी, और ये है इसने मेरे को शायद है ना 10-12 लेक्चर अलग से रिकॉर्ड करवाए होंगे फोर्स करके कि सर ये टॉपिक मॉड्यूल में है रिकॉर्ड कर दो आप लेक्चर, एंड बिलीव मी उसमें से 20-25 मार्क्स का SFM के पेपर में मिला था सिर्फ वो 10-12 लेक्चर से, क्लियर है, क्योंकि ये पढ़ता गया और मुझे बोलता गया कि सर ये टॉपिक है थोड़ा आप डिस्कस कर लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू अस, तो वो 10-12 लेक्चर जो हाफ एंड हाफ हाफ आवर के होंगे आई थिंक सो, तो इन टोटल वो 6 आवर का ड्यूरेशन था रिकॉर्डेड लेक्चर में जो 15-20 मार्क्स हेल्प कर गए एग्जाम में, सो इतना वो नेक्स्ट लेवल का इंटेंसिटी था थ्रू आउट दिस जर्नी, और ईजी नहीं होता, देखो इसका इंटर का एग्जाम आज से 2.5 साल पहले हुआ होगा, और उसके बाद अगर वो 2.5 साल तक इंटेंसिटी रख के एफर्ट करता है तो ऑब्वियसली रैंक को तो आना ही था, क्लियर है, अगर आप जो इतने एफर्ट करोगे। सो मैं ना थोड़ा सीरियस डिस्कशन पे आते हैं, आपने शेयर कर दिया आपका क्या फीलिंग रहा था थ्रू आउट लास्ट 4-5 डेज, मेरे को ये जानना है व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा, मतलब आप क्या करके कौन सी जड़ी बूटी खाओ तो रैंक आ जाए, ऐसा कुछ है? सिर्फ पढ़ाई बस वही, मतलब स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, देखो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि यू हैव टू डिवाइड योर स्ट्रेटेजी इनटू 3 पार्ट्स। यस सर। पहला जो है जब आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो उस टाइम आपको क्या करना है,
सेकेंड इज अबाउट कि एक बार सिलेबस यहाँ खत्म हो जाता है देन आपको क्या प्रिपेरेशन कितना टाइम लगाना चाहिए एंड फाइनल कि वन डे बिफोर रिवीजन लोग इसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं आई पर्सनली फील कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वन बाय वन आप अगर क्या अपना स्ट्रेटेजी रहा था ड्यूरिंग लेक्चर्स जब आपके लेक्चर्स भी चल रहे थे और आप शायद इंटर्नशिप भी हो रहा होगा ठीक है बट अपने यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी इंटरमीडिएट में है तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ इंटर्नशिप का एक बार साइड कर दे अपने ड्यूरिंग द लेक्चर्स हमको क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट अ सक्सेसफुल रिजल्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट Yes, sir. As you know, I have never skipped a single lecture, even if I have to go to function. I kept my friends together with me. We all attended all the lecture. If anything happens, we all skip lecture and lecture got cancelled. So, yeah, that is not a good advice. No, sir. जैसे exam होती है सबकी BCom की हम सभी start में थे जैसे हम आपको आके बोलते थे सर हमारी एग्जाम है तो आप लेक्चर बाद में रख लो तो फिर आप वो अरेंज भी करते थे हमारे लिए इसलिए हमारा कोई लेक्चर स्किप नहीं होता था अगर एग्जाम मेरी हो या किसी की भी हो तो टाइमिंग भी आप ऐसे रखते थे कि सुबह शाम ऐसे लेक्चर्स हो सके पूरे अगर 100% किसी ने लेक्चर अटेंड किए हो ना तो वो पास हो ही जाएगा दैट्स गारंटी क्योंकि लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाता है ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली है ना आप मेरा अभी ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर आप 85-100% तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल हो गया और आप लोग हैं ये जो बोल रहे हैं इट इज 100% करेक्ट मैंने नहीं देखा उसको एक भी लेक्चर मिस करते हुए इनफैक्ट मैं क्लासरूम में अभी करंट बैच में ये भी बोलता हूँ कि जब हम प्री कोविड पढ़ाते थे ना तो हम लोग है ना एक स्टूडेंट एब्सेंट हो तो हमको पता चलता था क्लास में 90 की स्ट्रेंथ है इंटरमीडिएट की मान लो इन टोटल जो लास्ट बैच था ना वो जब अपने 90 क्या फिजिकल बैच होता था उससे ज्यादा नहीं होता था अपने 90 स्टूडेंट का फिजिकल बैच इंटरमीडिएट का है तो अगर उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है तो एटलीस्ट मेरे को और भरत सर को तो पता चल जाता था कि आज कौन नहीं आया और आप मानोगे नहीं हम लोग इसीलिए ट्रैक कर पाते थे ना बिकॉज एक दो ही एब्सेंट होते थे एंड दैट वॉज फॉर जेन्युइन रीजन तो इसको मैंने नहीं देखा है मेक को कभी भी कि है ना मतलब क्लास में नहीं आया हो कोई भी दिन ठीक है और अगर शायद और उस टाइम तो ना हम लोग वीडियो का बैकअप भी नहीं देते थे आप समझो ध्यान से ठीक है कोई बैकअप भी अवेलेबल नहीं है तो उसने 100% अटेंडेंस रखा है वहां पे क्लासेस में एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आपको अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो 100% क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट है मेंटली एज वेल एज फिजिकली दोनों से फिजिकल आने से नहीं होगा ठीक है यस तो और कुछ मतलब मान लो आप पढ़ रहे हो और लेक्चर्स हो रहे हैं तो पैरेलली आपको क्या करना चाहिए मतलब घर जाके रिविजन वो जो टॉपिक चला है उसका जब आप लेक्चर में अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता लेक्चर में भी डाउट है और अगर टाइम नहीं है आप नहीं पूछ सकते तो फिर घर पे जाके रिवीजन करो अपने किसी फ्रेंड को पूछो कि क्या था इसमें अगर वो आपको समझा दे तो फिर ठीक है नहीं तो दूसरे दिन आके सर को पूछो क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट लेक्चर में उसका कनेक्टेड ही होगा अगर पहले लेक्चर का ही डाउट क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में तो आप फिजिकली होगे मेंटली नहीं होगे जैसे आपने बोला तो फिर तो पूरा वो चैप्टर पूरा गया ना इसलिए 100% देना ही पड़ेगा इसमें तो क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में ऐसे नहीं हो सकता कि आप लग से पास हो जाए ग्रेट सो एक ये आपका मानना है कि रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करें और घर पे जाके रिवाइज करे सेम डे सेम चीजें रिवाइज करे ठीक है सो ये हो गया रिलेटेड टू व्हेन लेक्चर्स आर गोइंग ऑन लेक्चर्स मान लो चल रहे तो ये आपको करना है दैट इज सुपर्ब उसके बाद एक बार सपोज यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपके पास अराउंड 50-55 डेज बचते हैं तो उसमें रिविजन का जो प्लान है या वन डे बिफोर रिविजन का जो प्लान है वो कैसे आपने एग्जैक्टली कैरी किया था फॉर योर इंटर एंड फाइनल बोथ जर्नी जैसे कि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत पसंद है लेकिन मैं थियरी नहीं पढ़ सकता इसलिए प्रैक्टिकल और थियरी दोनों साथ में लेता हूँ जब भी मैं प्रैक्टिकल पढ़ता हूँ तो वो तो 100% पढ़ सकता हूँ लेकिन थियरी में क्या है मेरा माइंड कहीं घूमने चला जाता है उस पर फिर जब ऐसा हो तब इसे प्रैक्टिकल ले लेता हूँ और थियरी में कैसा है कि कुछ वर्ड्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं मॉड्यूल की लाइन और अपनी अपनी लाइन भी बना सकते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ मॉड्यूल की लाइन ही लिखना मैंने आज तक डेफिनेशन भी मैंने पूरी मॉड्यूल की कभी नहीं लिखी
नॉट इवन इन 12th स्टैंडर्ड, मैंने अपनी ही डेफिनेशन बनाई, लेकिन जो दो तीन वर्ड्स होते हैं ना वो कंपल्सरी, वो मैं हाईलाइट कर देता था। जब एग्जाम के अगले दिन मुझे सिर्फ वो दो तीन वर्ड्स ही देखने, तो वन पेज विद इन वन मिनट पूरा चैप्टर भी कभी हो सकता है जो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए हाईलाइट करना वर्ड और थियरी और प्रैक्टिकल साथ में, क्योंकि कुछ लोगों को थियरी पसंद होती है, कुछ को प्रैक्टिकल पसंद होता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। यस सो ये तो चलो ठीक है, आपने जो बोला कि हम ऐसे रीड कर रहे थे, बट आप जो वन डे बिफोर एग्जाम रिवाइज करना है, तो आई होप कि आपने वो ऑब्वियसली क्रक्स बनाए होंगे हर एक सब्जेक्ट के, कि प्रिसाइज नोट्स जो चाहिए। एंड आई अगेन से दैट कि अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में क्रैक करना है तो आपको क्रक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जर्नी, मेरा ऐसा मानना है कि ड्यूरिंग लेक्चर स्टार्ट होती है, कि आप जब पहली बार पढ़ रहे हो तो आप प्रॉपर क्रक्स बना दो, फिर जब रिवाइज कर रहे हो तो वो क्रक्स मतलब वो सम्स और छोटे हो जाने चाहिए। जैसे मैं कहता रहता हूँ कि आप अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एबीसी मार्किंग करो, ठीक है, कि ये सम हमको आगे वापस देखना पड़ेगा, या ऐसा कोई सम है जो एक बार देखा है तो चलो नहीं फर्क पड़ेगा तो वो सी कैटेगरी में आएगा। तो वैसा कुछ आपका कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी था रिलेटेड टू क्रक्स एंड मार्किंग एंड ऑल दैट, तो वो एक बार आप शेयर करेंगे तो शायद हेल्पफुल रह पाएगा अपने स्टूडेंट्स से। यस सर, आई एम लेजी पर्सन, आई डिडंट कीप नोट्स सेपरेट। मैंने जो भी होता था वो मैं मॉड्यूल में ही लिखता था, मेरी पूरी मॉड्यूल में कहीं कोई भी पेज खोलोगे कुछ तो लिखा हुआ मिलेगा ही आपको, मैं वहीं पे लिख देता था मेरा जो भी होता था। इसलिए मैंने नोट्स तो नहीं लगी, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करता रहता था, अपनी दो तीन पेन रखता था, पेंसिल, हाईलाइटर, सब कुछ, वो सब कुछ एक ही जगह पे। और सम्स में मैं कैसा करता था, कुछ सम हार्ड होते हैं कुछ ईजी होते हैं, जो सम एक ही बार पढ़ने होते हैं वो क्लासेस आप कराते हो, उसके बाद मैं रिविजन करता था, फिर दैट्स इट। उसके बाद मैं जो इम्पोर्टेंट सम होते ना वही ठीक करता था। और एग्जाम के पहले दिन तो मुझे सिर्फ दो या तीन ही सम देखने होते थे एक ही चैप्टर में से, सबकी एक एक मेथड आ जाए, फिर तो अगर मेथड क्लियर है तो सम तो कुछ भी कर सकते हैं। परफेक्ट। सो मार्किंग इम्पोर्टेंट है, क्रक्स बनाना इम्पोर्टेंट है पैरेलली, और वो एक, ये तो हम लोग को ये प्रूवन फैक्ट है कि आप लोग एक दिन पहले सब रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसका वो इम्पॉसिबल टास्क है जिसके पीछे जाना ही नहीं चाहिए। तो क्रक्स मतलब जितना छोटा करते जाओगे चैप्टर, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब है ना, कुछ आपको ये जो ड्यूरिंग जी जर्नी है, कुछ मतलब आपका जो स्ट्रगल का पार्ट है, या क्या प्रॉब्लम पड़ा, क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने थ्रू आउट योर जर्नी फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल। ऑफकोर्स फाइनल में तो एक स्ट्रगल तो कोविड ही था, और दूसरा स्ट्रगल था इंस्टीट्यूट का पैटर्न, ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम, ये सब तो है ही ऑब्वियसली, बट इसके अलावा आपको कुछ हाईलाइट करना हो रिलेटेड टू योर जर्नी फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल, क्लियर, आपको कुछ भी हाईलाइट करना हो, आपको याद आ रहा हो कि ये मोमेंट मेक और ब्रेक वाला मोमेंट था, शायद मेरा छोड़ भी जाते मैं यहाँ पे, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा हो तो। जैसे कि सर मैं 11th तक हॉस्टल में था यहाँ पे अहमदाबाद, और मैं नहीं पढ़ता था अपने आप के हिसाब से, फिर मेरी मदर यहाँ पे रहने आई, और मेरे 10th में 75% थी, और मैं नहीं पढ़ता था सीरियसली, मेरा 50% कोर्स भी कम्प्लीट नहीं था। और 12th में जब मेरी मदर आई वो मुझे फोर्स कर रही थी तू पढ़, क्योंकि मैं पढ़ सकता था लेकिन नहीं पढ़ता था। मेरे 12th में मेरी मदर ने फोर्स किया, मेरा 88% है, अगर मैं हॉस्टल में होता तो नहीं आता इतना। उसके बाद मैंने CMA स्टार्ट किया, CMA मैंने जब स्टार्ट किया, मेरी सिस्टर ने भी CMA किया है, उसका 3rd रैंक था, उसकी अवार्ड सेरेमनी थी उसमें मैं गया, तब मुझे रियलाइज मुझे भी करना है, क्योंकि तब तो हम छोटे थे, और मुझे ट्रॉफी और सब कुछ देके मुझे लगा मैं मुझे भी करना है। उस तरह टाइम ऐसा नहीं था कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, लेकिन कुछ करना है। मैं CFA के सोच रहा था, लेकिन वो टू इयर्स के बाद होता है BCom के, अगर मैं 2 इयर्स नहीं पढ़ता तो मैं फिर कुछ नहीं पढ़ता, इसलिए मैंने CMA स्टार्ट किया। और विद इन 1 वीक मुझे इतना अच्छा लगा ना ये कोर्स, क्योंकि मुझे जो भी पसंद है वो सब सब्जेक्ट है इसमें, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। मेरी मदर यहाँ पे रहती है, मेरे फादर गांव में रहते हैं, वो एवरी वीकेंड पे आते हैं, और वो दोनों हमारे लिए अलग अलग रहते हैं। सो दैट इज द कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम योर पेरेंट। मैं थोड़ा और क्लैरिटी कर दूं, सी ये अभी अहमदाबाद में, बट इसका नेटिव प्लेस कहीं और है, स्पेसिफिक आई थिंक बनासकांठा, करेक्ट ना? यस। तो उनके फादर का बिजनेस एंड सब कुछ वहां पे है, बट ये लोग यहाँ पे है इसकी मदर के साथ, मतलब इनकी मदर और फादर ने ये कॉम्प्रोमाइज किया, वी कैन से दैट,
इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है कि वो लोग पिछले कुछ सालों से अलग रह रहे होंगे, आई थिंक आई गेस 5 ईयर्स से वो अलग रह रहे हैं, और इनके फादर जो है वो हर वीकेंड पे ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए टू अहमदाबाद. सो सी दैट कि है ना, मतलब कुछ भी अचीवमेंट है ना विदाउट कॉम्प्रोमाइज नहीं आता है, इट इज गारंटीड. जो विदाउट सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज आ जाए ना, सो वो अचीवमेंट छोटा ही होता है ऑब्वियस, ठीक है, वो आपके लिए बड़ा अचीवमेंट हो नहीं सकता है. सो दैट इज गुड स्ट्रेटेजी के लिए. अगेन मैं जब अपने स्टूडेंट को पूछेंगे तो अपने ज्यादा और डिस्कस कर पाएंगे. आपको अगर कुछ स्पेसिफिक मैसेज देना हो टू ऑल CMS स्टूडेंट्स, मोस्ट लाइकली विल अपलोड दिस वीडियो टू YouTube ऑल्सो, तो yes. बहुत सारे अपने क्लासरूम के तो मोस्ट ऑफ सारे कनेक्टेड ही है जिनका एग्जाम अभी आने वाला है. बाकी YouTube पे भी अगर कुछ आप जनरल एक देना चाहो मैसेज टू ऑल CMS स्टूडेंट तो आप बता सकते हैं. Sir, some people don't take this course seriously. They just do this course. मुझे पता है दो तीन लोगों ने मुझे ऐसा पूछा है कि CMA के बाद क्या कोई फ्यूचर है, वो CMA कर रहे होते हैं. एक अभी रिजल्ट के बाद एक फाउंडेशन के लड़के का मैसेज आया था कि CMA में कोई फ्यूचर है सही. उसने CMA फाउंडेशन क्लियर किया है फिर भी उसको मैं पहचानते नहीं, वो गुजरात का भी नहीं, फिर भी उसने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा. तो वो लोगों को तो कितना क्वेश्चन पूछता होगा. अगर आप सीरियस ही नहीं हो इस कोर्स के लिए, अपनी रिसर्च भी नहीं की है आपने, तब कैसे ये कोर्स कर पाओगे. जब मुझे मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया था तब मुझे भी नहीं पता था, लेकिन विद इन वन मंथ मुझे इस कोर्स के बारे में सब कुछ पता था. अगर आप अपने कोर्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपका 100% माइंड ही नहीं है ना इसमें, क्योंकि आप ही खुद ही कंफ्यूज हो, तो फिर अपना 100% तो नहीं दे सकते. पहले खुद क्लियर हो जाओ फिर उसके बाद 100%. That's it. सी मतलब ये जिन लोगों को ऐसा डाउट लगता है कि व्हाट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CMA, तो मैं आपको ना गारंटी देता हूँ आप कंप्लीट करके आ जाओ मेरे पास, क्लियर है. आपको अगर ऐसा लगता है ना एक बार कि क्या होगा, तो एक बार कंप्लीट करके आ जाओ. और मैं ना जनरली हम लोग ये कहते रहते हैं कि दुनिया में कोई भी कोर्स हो, नॉट अबाउट CMA, यू शुड जज दैट कोर्स बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ दैट कोर्स, कि क्या पढ़ोगे उसमें, क्लियर है. और एक चीज रहता है, देखो एक है ना पढ़ने को पढ़ रहे हैं आप और दूसरा वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो आप कहीं पे भी अच्छा कंटेंट है और आप उसको वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तो आप है ना ऑब्वियसली एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हो, क्लियर है. फिर है ना वो जॉब लगेगी नहीं लगेगी वो सब साइड हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा. अगर आप अपने में वैल्यू एड कर रहे हो, आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो अगर वहां पे कुछ वैल्यू ऑफर करोगे ना, तो उसके बेस पे जॉब भी अच्छा ही मिलेगा. तो ये मतलब CMA कोर्स के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है, एक बार कंप्लीट तो करके देखो. पर मैं बैट मार के कहता हूँ, इफ यू आर रेडी टू माइग्रेट, ठीक है, आपको अगर कहीं पे जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसा CMA नहीं है जिसको अच्छा खासा सैलरी ना मिले. आपको कंस्ट्रेंट है, सपोज आपका फैमिली इश्यू है या आपको ऐसा है कि नहीं जाना मुझे ये सिटी से बाहर या कहीं पे नहीं जाना है, देन इट माइट बी पॉसिबल कि आप अपने प्रिफर लोकेशन पे अगर जॉब चाहोगे तो इन दैट केस आपको दूसरों के प्रेफरेंस वाला सैलरी मिलेगा. आप समझो ध्यान से, दो में से एक चॉइस आपके पास हो सकता है. एक आप अपना प्रेफरेंस लोकेशन चाहोगे तो सैलरी किसी और के प्रेफरेंस का होगा. अगर आप लोकेशन का प्रेफरेंस उसको दे दो तो सैलरी का प्रेफरेंस आपका है. यू कैन डिसाइड योर ओन सैलरी, क्लियर है. सो आई कैन गारंटीड यू कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CMA यू कैन गेट अ गुड जॉब, ठीक है. और अगर आपने वैल्यू एडिशन किया है ना पैरेलली पढ़ने के साथ, सिर्फ रट्टा नहीं है और पास नहीं होगे, इनफैक्ट रटोगे तो पास भी नहीं होंगे, अभी तो वैसा हो गया है. बट अगर वैल्यू एडिशन जितना ज्यादा किया होगा ना, उतना आपका हाई चांस है करियर में सक्सेसफुल होने के लिए. ओके, एक और एक दो चीजें हैं, देन फिर अपने ओपन कर दे. एक आध क्वेश्चन भी चैट बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन मेरे साइड से मैं पूछ लेता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैंपस. कैंपस के लिए क्या आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो और क्या आपने सोचा है अपने करियर के रिलेटेड, दोनों साथ में ही मैं पूछ लेता हूँ आपको कि एक तो आपका कैंपस का क्या प्लान है और उसके लिए आपने क्या प्रिपेयर किया है अपने साइड से, एंड सेकंड थिंग कि कौन से एरिया में आपको करियर बनाना है. यस सर, जैसे एग्जाम के बाद मैंने आपको पूछा था कि अब मैं क्या करूं, तब आपने बताया थी कि कुछ ऐसे कोर्स कर जो तुम्हें वैल्यू एडिशन है. तो मैंने दो तीन कंप्यूटर के कोर्स किए, मैंने एक्सेल में भी एडवांस तक सब कुछ किया है, मुझे SAP का भी नॉलेज है, मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेट है. और उसके साथ साथ जो वो लोग पूछते हैं अमेंडमेंट्स इंटरव्यू में,
जीएसटी में क्या अमेंडमेंट मेन, अभी नया नया जीएसटी आया हुआ और बहुत कम लोगों के पास उसका नॉलेज है। जो लोग प्रोफेशनल है वो भी इतना नहीं देखते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या आया है। अगर इंटरव्यू में जाने के अगले दिन कोई अमेंडमेंट आया है, वो एचआर वाले लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि उनको क्वेश्चन पूछना है, लेकिन आंसर हमें देने। इसलिए अभी अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, वो भी न्यूज मुझे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे वो लोग नहीं चाहते कि उनका जो एम्प्लॉय वो आउटडेटेड हो। परफेक्ट परफेक्ट वैसे और जैसे आपने बताया था कि मेन है कॉन्फिडेंस। अगर मैं इंटरव्यू में गया, मेरा रैंक है, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस से कुछ भी नहीं बोल पाया, तो फिर मेरे पे कि वो लोग मुझे नहीं सिलेक्ट करेंगे। मैं वहां पे जाके सिर्फ बैठा रहा, फिर तो वो कुछ मुझे लेंगे ही नहीं। मींस आपने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम कुछ कोर्सेस ऐड किए यस जो काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज है, लाइक यू हैव एडेड एक्सेल प्रोग्राम, सैप तो आपने पहले किया था शायद, पहले गया उसके अलावा कुछ शायद कम्युनिकेशन का भी अपना एक बार बात हो रहा था, यस यू कैन ऐड ऑन फ्यू कोर्सेज ऑन कम्युनिकेशन। इनफैक्ट अपने वेदांत के साइड से भी वी हैव कंडक्टेड टू सेशन यस सर फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस, उसमें भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी अपने ने। आई थिंक वो सब आपने कुछ ऐड किया होगा अपने साइड यस से, सर राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन कि भाई कुछ सोचा है ऐसे भाई कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है फील्ड मुझे? परफेक्ट फील्ड का तो ऐसा नहीं, मुझे सब फील्ड में इंटरेस्ट है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन मुझे मेरा ग्रोथ चाहिए मेन। तो अगर मैं कोई जॉब में जाके वहीं पे भी स्टक रह जाऊँ, उसके बाद मेरा कोई ग्रोथ नहीं, मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहाँ मैं कुछ नया सीखूँ, उसके बाद मैं कुछ सीखे उन लोगों को बताऊँ ऐसा भी हो सकता है। मुझे वैसी जॉब चाहिए कि मेरी पढ़ाई नहीं रुके, कुछ भी हो, अगर मैं अब इतना नॉलेज लेके जाऊंगा फिर भी जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन फिर मुझे वन वर्क फॉर लाइफ ऐसा हो जाएगा कि एक ही वर्क करना है, मुझे वैसा नहीं करना। सो अभी अपने जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर कि भाई यस जो कैंपस प्लेसमेंट में जॉब ऑफर होंगी, और राइट नाउ वी कैन से दैट बहुत डायनामिक जॉब ऑफर होती है कैंपस में। एंड इनफैक्ट आपको वहाँ पे अभी है ना, मतलब 1-2 साल इनिशियली आपको थोड़ा वो जूनियर लेवल पे रखा जाता है, बट अगर 3-4 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो फिर आप मैनेजमेंट कैडर में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हो, जहाँ पे वो मल्टीटास्किंग वाला रोल यस स्टार्ट हो जाता है। इवेंचुअली तो ऑब्वियसली आप कोई भी जॉब स्टार्ट करोगे यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर टास्क कि भी ये काम करना है, ये फील्ड में ही काम करना है। डन, तो आई थिंक मोर और लेस सारी चीजें अपने कवर कर लिया है। अब है ना, अब ओपन करते हैं फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एक एक स्टूडेंट का चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज दिख रहा है दैट आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर 1 month बिफोर प्रिपेरेशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस फॉर अ थियरी सब्जेक्ट, इफ यू कैन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। मतलब 1 month बिफोर एग्जाम One हाउ यू कैन एग्जैक्टली प्रिपेयर? I was going to library for 10 hours, 10 to 12 hours। सुबह मॉर्निंग में रेडी होके लाइब्रेरी चला जाता था मैं 10 o'clock। वहां पे जाके पढ़ने के बाद लंच टाइम पे मैं अपने घर पे आता था। लंच लेने के बाद आधा घंटा 1 घंटा वहां पे आराम करके फिर वापस लाइब्रेरी। दोपहर को सब लोगों का होता है ऐसा, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मेरा भी ऐसा था, कुछ दिन पढ़ पाता था कुछ दिन नहीं, लेकिन इवनिंग को 6 to 8 मेरी परफेक्ट पढ़ाई होती थी। 6 to 8 जो मैं 2 घंटे पढ़ता था ना, वो मैं पूरे दिन का सबसे ज्यादा कवर करता था, क्योंकि उस टाइम में सबसे फ्रेश होता था। शाम को चाय या कुछ भी फ्रेश होने के बाद अगर बैठ गया मैं, फिर 2 घंटे में खड़ा भी नहीं होता था। उसके बाद मैं घर पे जाता था, घर पे जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके रात को 2-3 घंटे पढ़ता था और फिर सो जाता था। पूरा महीना यही शेड्यूल था मेरा। थियरी सब्जेक्ट में कुछ राइटिंग प्रैक्टिस, इनफैक्ट अब तो नहीं, टाइपिंग प्रैक्टिस बोलना पड़ेगा, टाइपिंग तो प्रैक्टिस उसका कुछ आपने? मैंने मैंने आर्टिकल शीट में मोस्टली एक्सेल यूज किया है, उसमें टाइपिंग नहीं आता मोस्टली ऑडिट में, इसलिए टाइपिंग का मुझे प्रैक्टिस नहीं था, लेकिन मैंने बचपन से कंप्यूटर यूज किया था इसलिए मुझे पता था मैं टाइपिंग कर दूंगा। मुझे नहीं पता मैंने एग्जाम में 1 मिनट में 70 वर्ड्स टाइप किए। ओ अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ नहीं होता है, लेकिन उस टाइम प्रेशर इतना था कि हो गए सब। एग्जाम प्रेशर आपको सब करवा सकता है। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करूंगा। देखो एग्जाम में 1 महीने पहले ना 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और मेरे को आप पूछो ना, मेरे से पर्सनली आप, तो ना मतलब लाइफ को
मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना, तो उस केस में पैरेलल एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं ना कि लंबा चलना हो ना, तो उसके लिए सबको साथ में लेके, मतलब आप ना अकेले पढ़ते रहोगे ना तो इट नॉट पॉसिबल कि आप 2 महीने या 2.5 महीने या 1.5 मंथ कॉन्स्टेंट बेसिस पे पढ़ पाओ विदाउट एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट. सर मैं डेली 2 घंटे गेम्स खेलता था मोबाइल में, डेली 2 घंटे, एग्जाम के अगले दिन भी. मतलब हाँ वही है कि आप फैमिली से बात करो कुछ, आपको अगर टीवी देखना अच्छा लगता है ठीक है तो वो करो, कुछ भी करना चाहिए, बट मेक श्योर कि जो टाइम आपने अलॉट किया है फॉर स्टडी तो फिर उसमें काम हो आपका. ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि फिर आप एंटरटेनमेंट के टाइम पे तो प्योर एंटरटेनमेंट करते हो और स्टडी के टाइम पे भी, और वी कैन से वो मतलब दिमाग कहीं और चल रहा है. ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए. बाकी मेरा तो ऐसा भी मानना है कि आप है ना टाइमिंग भी आप अपने हिसाब से, किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगे रात को पढ़ो, सुबह पढ़ना अच्छा लगे सुबह पढ़ो, वो मैटर ही नहीं करता है. ठीक है, वो सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होता है. किसी का रात को जागने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको सुबह उठने में प्रॉब्लम है. तो आप इस तरीके से प्लान करो कि लेट नाइट पढ़ते हैं अपने. ठीक है, किसी को ऐसा है कि सर रात को थोड़ा लेट होता है ना तो अपने बैटरी डाउन हो जाती है, तो इट इज बेटर कि आप टाइम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठो. ठीक है, बट आई थिंक कि वो फ्लक्चुएट आपके हिसाब से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो उसमें. वन डे बिफोर अपना थोड़ा बात कम हुआ है. यस, आप है ना स्टूडेंट जो अपने साथ है, यू कैन आस्क क्वेश्चन चैट बॉक्स में, यू कैन आस्क क्वेश्चन. ठीक है, वन डे बिफोर एग्जाम आपने क्रक्स का कुछ स्पेसिफिक था आपका क्रक्स के रिलेटेड, कि आपने जैसे बोला मॉड्यूल में हम कॉपी मॉड्यूल में, मैं सब कुछ मॉड्यूल में ही टिक कर देता था, पेज स्वाइप करके जो भी हो सब कुछ कवर कर लेता था. मेरी नोट्स नहीं थी पर्टिकुलर, बहुत लोग बनाते हैं नोट्स और वो अच्छा भी है, बहुत अच्छा है. मेरा जीएसटी में नहीं थी नोट्स, मुझे प्रॉब्लम हुआ है लेकिन मैं नहीं बना पाता था. इसलिए अगर आप बना पाते हो तो 100% गो फॉर इट. एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन आर्टिकलशिप एंड स्टडी एट द सेम टाइम, वर्क गिव मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी, इट्स वेरी हार्ड, हाउ टू मैनेज इट. मतलब दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें. कोविड के पहले मैं भी आर्टिकलशिप में था, सुबह 7 o'clock टू 10:30 यहाँ पे लेक्चर्स रहते थे, यहाँ से सीधा आर्टिकलशिप में. आर्टिकलशिप में 7 o'clock खत्म होके सीधा यहाँ पे क्लास हो रहता था, क्लास 2 घंटे तक रहता था, 9 बजे घर पे जाके लंच हम अपना डिनर लेते थे, फैमिली में सबका डिनर हो जाता, फिर भी हम घर पे अकेले जाके डिनर लेते थे. उसके बाद अगर थकान नहीं होती थी फिर थोड़ा पढ़ के रात को सो जाते थे. ये पूरे 3 महीने का शेड्यूल था, उसके बाद कोविड और फिर तो ऑनलाइन था सब कुछ. मीन्स है ना उस टाइम पे आपका एक ही फोकस होना चाहिए दैट आप ना क्लास में रेगुलर आ जाओ, बिकॉज अगर क्लास में रेगुलर आए हो ना आप तो आपका 80-90% काम वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे खत्म हो गया. बट अगर घर पे रख दिया है कोई टॉपिक तो फिर वो रख ही रहेगा. ठीक है, वो आपका पढ़ा रहेगा टॉपिक, उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली या हो भी नहीं पाएगा आई थिंक सो. ठीक है, वो अगर बैकलॉग हो गए ना फिर वो बढ़ता ही जाएगा, वो खत्म नहीं होगा कभी भी. अच्छा, वो आप बोल रहे हो, हम लोग बोलते हैं जनरली कि बैकलॉग वाले स्टूडेंट गारंटीड है कि अपना अटेम्प्ट भी बैकलॉग कर देंगे. ठीक है, मतलब वो इम्पॉसिबल है उनको. मतलब बहुत सारे लोग कर भी पाते हैं बट बहुत सारे लोगों का रह गया. अभी भी मैं बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट थे जो जेन्युइनली बहुत कैपेबल है. ठीक है, बट समाउ उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वीडियो मोड में चले गए. हम लोग क्या हुआ है कि राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटी कि आप क्लास में भी आ जाओ, जूम लाइन भी है और रिकॉर्डिंग भी है. तो जब जैसे जैसे फैसिलिटी इंप्रूव हुई है ना वैसे वैसे उनका कंसिस्टेंसी भी डाउन हुआ है स्टूडेंट्स का. अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन में ही आना चाहिए. That is the best way. वो सबसे best है. Second best is you can connect live batch. अगर हो सकता है तो. Yes. Recording पे मत जाओ. Someone is asking that strategy for both groups. Suppose दोनों group साथ में देने हैं. तो एक जो challenge आता है ना both group में वो ये रहता है कि भाई एक group का पढ़े तो दूसरे group का भूल जाओगे. तो उसको कैसे overcome किया जाएगा? जैसे मैंने बोला practical और theory दोनों subject. एक first group का लेना, एक second group का. दोनों में सेम ही है, आधी प्रैक्टिकल आधा थियरी, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली. अगर तुम श्योर हो कि तुम बोथ ग्रुप कर सकते हो तो फिर साथ में ही स्टडी करनी. अगर तुमने ऐसा किया कि फर्स्ट ग्रुप पहले खत्म कर दिया उसके बाद सेकंड ग्रुप लिया, सेकंड ग्रुप करते टाइम फर्स्ट ग्रुप का भूल जाओ, वो याद ही नहीं रहेगा. क्योंकि 1 मंथ तो लगेगा ही सेकंड ग्रुप कंप्लीट करने में, और 1 मंथ के अंदर
सब कुछ भूल जाओगे, दोनों ग्रुप साथ में ही कर लो। पैरेलल इन पैरेलल स्टडी इंपॉर्टेंट है, मींस आप अगर कोई एक ग्रुप पढ़ रहे हो अभी, मान लो क्लासरूम में ग्रुप वन चल रहा है और पहले आपका ग्रुप टू हो चुका है, तो मेक श्योर घर जाके आप ग्रुप टू को रिवाइज कर रहे हो, तो आपका अच्छे से प्लान हो पाएगा। आपका एक बार स्कोर याद है आपके सब सब्जेक्ट के कि नहीं याद है? बहुत बड़ी बात बोल दी। ऐसे तो याद है सर, मोस्टली सब्जेक्ट के हाँ एक बार बता दो स्टूडेंट को तो बेटर है। 58 था, पेपर नंबर 1358, पेपर नंबर 1471, 71, पेपर नंबर 14, पेपर नंबर 15 में 56 या 58 था, ओके, और लास्ट पेपर में 55, टोटल होता था 243 का स्कोर हो गया आपका। दैट लॉ 58, एसएफएम 71, एससीएम जो कॉस्टिंग होता है वो 58 और यहाँ पे 55, 243 पेपर नंबर 16 में, पेपर नंबर 70 मतलब ग्रुप 4 में, पेपर नंबर 1755 था, सबसे डेंजरस पेपर जो था अपना सीएफआर, पेपर नंबर 55 था, 55, 19 कॉस्ट ऑडिट में 52 था, 52 और लास्ट फाइनल बीएसपीएम 81, ओके, मींस वी हैव स्कोर टू एग्जम्पशन, एक में 71 है और एक में 81 है, मींस है ना ये जेन्युइनली है ना, ऐसे ही आप है ना अगर इतने ही मार्क्स लाते हो ना, लास्ट अटेम्प्ट के जो मार्क्स थे वो थोड़े इन्फ्लेटेड थे, बाकी इतने ही मार्क्स में रैंक ऑल इंडिया रैंक आता ही है, क्लियर? इन टोटल कितना है अपना? 484 आउट ऑफ 700, सॉरी 800, तो नियर टू 60 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, क्लियर है? ऐसा देखे तो 60 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ही है, 60.5 परसेंटेज टू बी प्रिसाइज, और बिलीव मी ये नॉर्मल रैंक है, 60% आप अगर स्कोर करते हो ना सीएमए फाइनल में, इट इज गारंटीड दैट यू विल गेट अ रैंक, क्लियर है? अगर दिसंबर 2020 जैसा एग्जाम नहीं हुआ तो, बाकी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हर साल हम इतने सालों से पढ़ा रहे तो एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ऐसे ही रैंक आता है, ठीक है? इतने मार्क्स के आसपास यू विल गेट अ सिंगल डिजिट रैंक, क्लियर है? जैसे इस बार देखे तो लास्ट रैंक का स्कोर क्या था? 424, आई थिंक इतना ही कुछ था, 423, हाँ मतलब उतना ही, मतलब उस पर आपका रैंक आ जाता है, क्लियर है? सीएमए में ये है कि वो 8 दिन में 8 पेपर का चैलेंज होता है, तो उस केस में अगर आप इतना स्कोर करते हो, ठीक है, 60% के आसपास यू विल गेट अ रैंक। यस, आप कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, समवन इज आस्किंग दैट, एक मिनट, दैट इफ वी आर फ्रॉम अ गुजराती मीडियम बैकग्राउंड, मींस रीजनल लैंग्वेज, मतलब यहां से है, आई एम आल्सो फ्रॉम गुजराती मीडियम, देन हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड व्हाट शुड बी द स्टडी प्लान? स्टडी प्लान आई थिंक कॉमन रहेगा, आप कोई भी मोड से हो, क्लियर है? गुजराती मीडियम, आई एम आल्सो फ्रॉम गुजराती मीडियम, माय इंग्लिश वाज आल्सो वीक, मतलब ये तो आप समझो ध्यान से कि मीडियम का इनिशियल 6 मंथ में इंपैक्ट रहता है एंड इवेंचुअली वो फाउंडेशन में ही क्लियर हो जाता है मोस्टली, और अगर नहीं हुआ तो फिर भी इंटर में कोचिंग तो हिंदी और गुजराती में ही रहती है यहां पे, इंग्लिश में तो जनरली यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड आई थिंक वो आपके लिए कंफर्टेबल ही रहता है, क्लियर है? ऐसा नहीं है कि तुमको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग चाहिए, कॉमन वर्ड्स भी यूज कर सकते हो तुम, अगर तुमका तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है गुजराती में तुमको आता है तो उसका ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में हो जाएगा, इंटर में भी तो एग्जाम में इतना टाइम तो होगा, तुम्हारा टाइम कभी नहीं घुटेगा लास्ट में एग्जाम, अगर टाइम पास मत करना एग्जाम के टाइम पे, अगर पेपर आया स्टार्टिंग के एमसीक्यू नहीं आते तुमको और अगर वहीं पे स्टक रह गए तो पीछे टाइम बहुत खुटेगा, टाइम मत लगाना कोई भी क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है कोई स्टूडेंट का, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सेइंग कांग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट ग्रेट अचीवमेंट, एंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट वर द मोटिवेटिंग फैक्टर, मतलब आपको कौन से फैक्टर्स ने मोटिवेट किया, बिकॉज वो ऐसा कह रहा है कि ये जर्नी थोड़ा लॉन्ग है, तो कुछ ना कुछ वो फैक्टर्स होंगे जिसने आपको मोटिवेट किया होगा। जैसे मैंने बताया मेरे मदर फादर, अगर मैं नेगेटिव रिजल्ट आता तो वो 6 मंथ उनको और अलग रहना पड़ता, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा फ्रेंड है और वो तुमको मोटिवेट कर सकता है, तो वो मेरे पास मेरी सिस्टर थी, जब भी मुझे कोई भी क्वेश्चन होता था मैं उसको जाके पूछता था और मुझे आंसर मिल जाता था कभी भी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। एक क्रेडिट उनको भी जाता है, आपकी सिस्टर्स को, for achieving this rank. Yes, sir. Yes. Yes, बाकी जो स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन हो तो, yes, एक और क्वेश्चन है।
Yes, someone is asking, as you said that you have attended whole paper, so I want to ask that how you attended the theory question in which you don't even have a confidence. मान लो ऐसा कोई question आ गया जिसमें अपने मतलब नहीं पता है, clear है? Confidence नहीं होता, लेकिन कुछ तो knowledge होते हैं. Means आपको जो idea हो that you can write, correct? Okay. कुछ एक, एक, blank एक, मत रखना, कुछ भी blank मत रखना. 100% उनको mark देने होंगे, कुछ तो वो चाहिए ना उनको लिखा हुआ. Perfect, perfect. एक एक करना थोड़ा मेरा मेरे को लगता है कि ये question पूछ लेना चाहिए. सी अपने ना न्यू पैटर्न्स के एग्जाम है अभी, पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो गया, तो उसमें सेक्शन ए जो है दैट इज ऑल अबाउट एमसीक्यू, जो प्योर एमसीक्यू है. सेक्शन बी इज अ वन मार्क का क्वेश्चन, बट वो अपने कह सकते हैं वो पता नहीं कहाँ से पूछ सकते हैं, वो उसका गारंटीड नहीं. फिर सेक्शन सी है जिसमें 6 में से 4 क्वेश्चन अटेंड करने, एंड फाइनल सेक्शन डी इज ऑल अबाउट अ केस स्टडी. मैं तो ऐसा बोलता हूँ केस स्टडी नहीं है, बनाई हुई केस स्टडी है अभी तक के पैटर्न से. तो आप ना एग्जाम जब आप दे रहे हो तो आप पहले कौन सा पार्ट अटेंड कर रहे थे थ्रू आउट योर 8 पेपर्स? पहले आप सेक्शन ए बी से स्टार्ट करते हो कि स्ट्रेट अवे यू स्विच टू सेक्शन सी? सबसे पहले सेक्शन ए, एमसीक्यू, आंसर तो सामने है, कोई भी तो होगा, जितने हो सके उतने क्लिक, और उसके बाद वहां पे ऑप्शन भी था मार्क बट नॉट आंसर, वो क्लिक करके सीधा सेक्शन डी पे, क्योंकि वो कंपलसरी है. अगर वो नहीं आया तो 12th मार्क, और आ गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा. TFL में मुझे उसने ही हेल्प की, वो क्वेश्चन मुझे आता था, एमसीक्यू में कुछ आते थे और वहां पे 12 मार्क, मुझे पता था वो 12 मार्क 100% सच्चा है, इसलिए वहां पे 12 मार्क. फिर कॉन्फिडेंस के बाद मैंने सेक्शन सी अटेंड किया, सेक्शन सी में कुछ आया कुछ नहीं आया, उसके बाद सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी में कैसा है कि वहां पे वो मॉड्यूल की कोई भी लाइन उठा के रख सकते, और वो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन वहां पे रिस्क है बहुत ज्यादा, और अगर तुम्हें पता है वहां पे रिस्क है तो वो अटेंड करने के बाद अगर एग्जाम में डीमोटिवेट हो गए ना तो वहां पे कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, तुम अपने आप ही करना है सब कुछ, और सिर्फ 3 घंटे है, आंसर भी देना है और सब कुछ सही भी रखना है, इसलिए वहां पे एग्जाम के 3 घंटे तुम्हें अच्छे से गए ना तो पढ़ाई मैटर नहीं करती. अगर पढ़ाई बहुत की है, सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में फर्स्ट एमसीक्यू लिखा नहीं आता है और वहां पे ही हिल गए, फिर नहीं आएगा कुछ भी आगे, सब भूल जाओगे, याद है वो भी भूल जाएंगे, याद है वो भी भूल जाएंगे. सी मेरा भी, मैं भी ऐसा कहूंगा कि एग्जाम में यू शुड अटेंड सेक्शन ए फर्स्ट, फिर अगर ट्राई करो बी हो जाए तो क्लियर है, बी में भी जितना आता हो तो. एक है ना ओवरव्यू देके आप पेपर को देखो, एंड देन मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि सर सेक्शन ए और बी है ना ट्रिकी होता है तो हम स्ट्रेट अवे सेक्शन सी में जंप कर रहे हैं, बट सेक्शन सी में स्ट्रेट अवे जंप करने में ना कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज वो ना टाइम, हाँ वो है, सेक्शन सी इज अबाउट 48 मार्क्स, दैट आई एक्सेप्ट कि वो बड़ा चंक वहीं पे है, बट अगर वहां पे आपका बहुत ज्यादा टाइम चला गया ना तो ब्रेन है ना वो प्रॉपर रिएक्ट करना बंद कर देगा. मान लो आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया और एक आध दो क्वेश्चन ही कर पाए आप और बाकी के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो फिर आप एमसीक्यू जो शायद इजी भी हो वो भी पार्ट आप अटेंड नहीं कर पाओगे. तो इट इज बेटर टू गो फॉर फर्स्ट दैट एमसीक्यू वाला पार्ट कर दो आप, जितना आता है उतना टिक करके आगे बढ़ो, सो दैट मान लो उसमें से 10 भी आपको आते हैं ना तो एक बार है ना वो 10 तो सिक्योर हो गए ना, देन आपको फिर 30-40 मार्क्स और चाहिए टू गेट 50 मार्क्स. तो वो ना मतलब कोई भी चीज जब अपने मार्क्स बैंक में आते जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, तो वो जो सेक्शन ए वाला पार्ट है वो जनरली आपको ना कॉन्फिडेंस दे सकता है. अगर वहां पे इजी एमसीक्यू है तो उसको टिक करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, एंड देन यू कैन गो फॉर सेक्शन सी एंड डी. ठीक है, फिर वापस भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. How do you manage that sum like cash flow or long sum in this new system? मतलब कोई बड़ा सा sum exam में आया हो तो मतलब क्या लगा बहुत ज्यादा challenging हो गया था? और actually ना हमारे पास भी अभी paper नहीं है तो अपने ज्यादा detail में बात नहीं कर पाएंगे, but आपने exam दिया है तो final में cash flow का sum था CFL में, वो इतना बड़ा था, 2 बार scroll किया ना फिर भी खत्म नहीं हुआ. Okay. वहाँ पे एक option आता है paper देखने का, वहाँ पे कुछ अब तक आप देख सकते हो वहाँ, उसमें ऑप्शन है, और जहां तक मुझे लगता है ये फीडबैक उनके पास गया ही है, हो सकता है अगली बार वो अच्छा कर दे सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं हो तो वो सम लास्ट में करना, क्योंकि अगर वो सम 12 मार्क्स का है तो 88 मार्क्स का तो तुम्हें आता है ना, लास्ट प्रॉब्लम 12 मार्क्स का ही है, अगर सब कुछ 88 मार्क्स कंप्लीट हो जाए
उसके बाद 12 मार्क्स में तुम अपना टाइम दे सकते हो। और मार्किंग के लिए क्या है, जॉब सीट वो लोग तुम्हें देते ही। और पहले सब सेक्शन सी के लिए सभी 6 क्वेश्चन लिख लो, कौन से है, कौन से चैप्टर में से है, या फिर तुम्हें आता है या नहीं आता है। और फिर उसके बाद डिवाइड करो, कौन से कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, 4 4 मार्क के 3 होते हैं, कुछ में 6 6 मार्क के 2 होते हैं। अगर तुम्हें 6 मार्क 1 आता है, एक नहीं आता, और दूसरे में 4 4 मार्क के 2 आते, एक नहीं आता, तो कंपेरेटिवली तुम्हें 8 मार्क्स का ज्यादा आता है। वो सब कुछ पहले लिख लो, उसके बाद वहां पे टिक कर दो, और उसके बाद अटेंड करो, और फिर कैश फ्लो। परफेक्ट है ये। इनसे जो मोस्ट लाइकली इस बार वो लोग कंसिडर करेंगे दैट दे शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 15 मिनट टू रीड दी क्वेश्चन पेपर सो दैट ये सब काम हो सके। इनका बहुत अच्छा सजेशन है कि आपको ना सारे क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए एंड देन इवेंचुअली अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये 6 में से ये 4 कौन से अटेंड करने हैं ना वो पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं आप पढ़ते गए और अटेंड करते गए, ऐसा नहीं हो सकता है। आउट ऑफ दैट 6 आपको कौन से 4 अटेम्प्ट करने। कभी ऐसा फाइट भी हो सकता है कि 12 मार्कर क्वेश्चन में 2 6 6 मार्कर क्वेश्चन है तो अगर एक आता है एक नहीं आता मीन 6 मार्क क्रेडिट मिल सकता है, और दूसरे में 3 है जो 4 4 मार्क्स है उसमें से एक नहीं आता है ना तो इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर दैट 8 मार्क्स। ठीक है, ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना चाहिए जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है। बट नेक्स्ट टाइम मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूट विल गिव 15 मिनट्स टू रीड दैट क्वेश्चन पेपर सो दैट ये सब आप चीज कर पाओगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे में उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करे करना पड़े। समवन इज आस्किंग दैट कि है ना कि यस कॉन्ग्रेचुलेशन मेक्स अ माय क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली इन अ थियरी सब्जेक्ट हाउ टू क्रक्स एंड कन्वर्ट इन अ परफेक्ट सेंटेंस स्पेसिफिकली व्हेन इंग्लिश इज वीक। तो इसका तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आपको रीड करो ज्यादा या आप खुद राइटिंग प्रैक्टिस करो तो इवेंचुअली वो जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होगा और फिर उसी से हो पाएगा। ठीक है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, इट इज अ लॉन्ग जर्नी एंड आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है आप अगर स्टार्ट करोगे तो। मतलब सारे लोग है ना रीजनल लैंग्वेज में पढ़े होते हैं यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो लोग कर पाएंगे तो आप भी कर ही पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देयर इज चैप्टर्स व्हिच आर मोर इंपोर्टेंट इन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मोस्टली पेपर उसमें दिया, उसमें से ही आता है, लेकिन उस बार क्या होता है, दूसरे में भी दिया आता है। इस बार जैसे डायरेक्ट टैक्स में मोस्टली पेपर हाउस प्रॉपर्टी में है, और फाइनल के मॉड्यूल में हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर ही नहीं है, और 40 मार्क्स हाउस प्रॉपर्टी में है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो सकते 100%। आपको करना तो 100% ही पड़ेगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, कॉमन होता है, जैसे कि हमारे फाइनल में डीटी में असेसमेंट प्रोसीजर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो 100% आना चाहिए। तुम नींद में से उठा के पूछे इसका आंसर क्या है, वो आना चाहिए। आप एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस हो, वहां पे जाके नहीं आए तो दूसरा तो तुम्हें आता ही है। ऐसा नहीं है कि 100% नहीं आता, फिर तुम अटेंड कर लोगे, लेकिन पहले जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही करना पड़ेगा, बट कवर सब करना चाहिए, करना ही मतलब पड़ेगा। मार्किंग होना चाहिए इंपॉर्टेंट का बट यू शुड ट्राई टू कवर एवरीथिंग बिकॉज वो जैसे इन्होंने बोला ना कि एज सच हाउस प्रॉपर्टी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीएमए फाइनल डीटी एग्जामिनेशन बट फॉर पर्टिकुलर इन लास्ट पर्टिकुलर अटेम्प्ट दे आस्क फॉर अ 40 मार्क्स। तो ये तो मतलब ये तो अगर आप कुछ टॉपिक करके गए और कुछ छोड़ के गए तो प्रॉब्लम पड़ जाएगा। बट हाँ आपको ना मार्क करके वो ना 3 4 टॉपिक ऐसे होते हैं हर एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली एट फाइनल लेवल कि इतना अगर आप कर लो ना तो मोर और लेस आपका 40 या 45 सिक्योर हो जाता है। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है तो वो जो 3 4 जो इम्पोर्टेंट है जो आपको 40 45 का गारंटी देते हैं मेक श्योर कि उसको बहुत अच्छे से हम लोग कर ले। यस, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। हमारे पास है ना थोड़ा टाइम का इश्यू है तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप फटाफट पोस्ट कर सकते हो इन चैट बॉक्स। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, डिड यू लेफ्ट एनी चैप्टर और टॉपिक फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं बताता हूँ नहीं। ठीक है, आपको लेफ्ट को छोड़ना नहीं है बट प्रायोरिटी में कितना टाइम किसको देना चाहिए ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगर आपको कोई डिसाइड ऐसा करना चैप्टर हो लीड वंस, यस वी कैन से दैट कुछ कि कुछ भी छोड़ के मत जाना, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कुछ भी छोड़ के मत जाना। यस
सो आई थिंक मोर और लेस सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए यहाँ पे. सो अगेन अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो. एक पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब आप कौन सा गेम, वो दो घंटे आपने बोले ना दैट वी वर प्लेइंग ऑनलाइन गेम, तो गेम कौन सा वो बता दो. मोर वी कैन से दैट वो गेम खेलने से रैंक आया है. ठीक है, बता BGMI. ओके. मैं सभी सीजन में एस में था, इवन इन डिसेंबर एग्जाम के टाइम में भी. सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रैंक. आई थिंक मोस्ट ऑफ आंसर्स हम दे पाए. सी हम लोग एक चीज बता दूं, मेघ ने अपने यहाँ से सारे आठों के आठों सब्जेक्ट का कोचिंग किया था फॉर इंटर एंड फाइनल बोथ ग्रुप दोनों के लिए. एक चीज हम जनरली, जैसा शायद आपका अपना फोन पे भी बात हुआ था कि ये जो जर्नी रही आपकी फ्रॉम फाउंडेशन और वी कैन से फ्रॉम 11 12 देन फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल, सो उसमें बहुत सारे लोगों ने आपको हेल्प किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको कंट्रीब्यूट किया होगा. इनफैक्ट आप अभी तो हमारे साथ कनेक्टेड हो, बट जब आप स्कूल में होंगे तो आप किसी और फैकल्टी के साथ, टीचर के साथ कनेक्टेड होंगे. तो ये टाइम है सबको थैंक यू कहने का, स्टार्टिंग फ्रॉम योर 11 12 स्टूडेंट फैकल्टी. फिर किसी ने कहीं पे हेल्प किया हो, कोई फ्रेंड हो, ठीक है. ये जनरल मैसेज जो जो लोग क्वालिफाइड हुए ना, हमने सबको बोला है कि आप अभी हमसे कनेक्टेड हो तो यू कैन फील दैट कि भाई सर हम आपके साथ ही पढ़े एंड ऑल दैट. मेरा पर्सनल मानना है कि आपकी जर्नी में पता नहीं कितने लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा. तो मेक श्योर की ये टाइम, जब तक आपका कैंपस नहीं होता है या आप आगे जॉब में स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक सबको अगर पर्सनली मिल ले तो दैट इज सुपर्ब. नहीं मिल सकते आप तो कॉल पे एक बार थैंक यू कह दे सबको, बिकॉज उन सबका रोल रहा है अपने में. एक है ना, किसी का और का है एक क्वेश्चन. मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि थ्रू आउट योर जर्नी यू आर स्टडिंग 20 पेपर्स इन अ सिलेबस. लाइक इफ यू स्टडी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देन यू कैन यूज दैट इन अ स्ट्रेटेजी फॉर योर स्टडी प्लान. यस. सो व्हाट वाज योर फेवरेट थिंग्स, मतलब ऐसा फेवरेट क्या सीखे आप जो आप रियल लाइफ में भी उसको यूज करना चाहोगे इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट. मतलब थ्रू आउट दी जो टॉपिक है 20 सब्जेक्ट है, उसमें से स्पेसिफिक फेवरेट वाला पार्ट कौन सा था जो आप गुजराती है, हम बिजनेस में पहले से ही ऐसा कहा जाता है कि गुजराती मतलब बिजनेस. परफेक्ट. और कॉस्टिंग हमारा मेन सब्जेक्ट है, और बिजनेस में कॉस्ट कम करके भी प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो ही सकता है. और मुझे कॉस्टिंग बहुत पसंद है. उसमें कैसा है, आपने कोई भी सम किया है आप पता लगा सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है. देयर इज ऑलवेज अ की. सभी वैसे तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. टैक्स में भी आप वैसे भी बचा सकते हैं. टैक्स सेविंग वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट. एक क्वेश्चन है बट मेरे को उसका कुछ मीनिंग नहीं समझ आ रहा है. व्हाट इज योर CMAY मींस आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन डन. सो आई थिंक कि हम लोग फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं, अभी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया डन. इन फ्यूचर भी अगर अपने स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट रहा तो आई होप आपके गाइडेंस के लिए हम आपको इन्वाइट करते रहेंगे व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड. कि एक कोई भी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जब आपने किसी को देखा होगा फॉर रैंक तो वो मोटिवेशन आया, तो आपको देख के शायद किसी और को आज मोटिवेशन हुआ होगा. एंड मेक श्योर जो लोग अभी है हमारे साथ उसमें से कोई हो, एक और का ऐसे हम लोग कुछ कभी इंटरव्यू रिकॉर्ड करें. डन आई थिंक सो. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी. अब मैं एक और इंटरव्यू करते हैं आपका आफ्टर योर कैंपस प्लेसमेंट. ओके.